हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीप्स हंगर हॉल्ट। तो आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड मोदक, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई गरम करने रख दी है, फिर इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून घी, और 2 मिनट के बाद फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 कप गुड़ यानी जैगरी। जब ये मेल्ट हो जाए फिर हम इसमें डाल देंगे 2 कप बारीक किसा हुआ नारियल का बुरंदा। इस तरीके से फिर हमें इसे अच्छी तरीके से मिला लेना है ताकि ये मिश्रण अच्छी तरीके से एक साथ मिक्स हो जाए। फिर इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से इससे स्वाद काफी अच्छा आता है। फिर इसे अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए और एक बाउल में निकाल के इसे ठंडा होने रख दीजिएगा। अभी मैंने यहाँ पे 4 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, जिसकी मैं एज यानी कॉर्नर्स निकाल दे रही हूँ। आप इस कॉर्नर्स की यूज ब्रेड क्रम्स बनाने में कर सकते हो। इस तरीके से फिर हम 2 ब्रेड के स्लाइस लेंगे, हल्की पानी में इसे भिगो के इसे अच्छी तरीके से इससे पानी निचोड़ लेंगे। इस तरीके से फिर मैंने मोदक मेकर लिया है, इसमें मैं ये अंदर डाल रही हूँ और इसे मोदक का शेप देने वाले हैं। अंदर स्पेस लेंगे ताकि हमने जो स्टफिंग बनाई है वो इसमें अंदर हम डाल सके। हल्के हाथ से करना है ताकि ये बर्तन को चिपके ना। आप चाहो तो इस बर्तन को घी से ग्रीस कर सकते हो। फिर हम इसमें अपनी स्टफिंग डाल देंगे और इसे कवर कर लेंगे इस तरीके से, और इसे आहिस्ता हल्के हाथ से खोल देंगे। देखो ये कितना प्यारा लग रहा है। अभी मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल गरम करने रख दिया है, फिर हम इसे मोदक को इसमें डाल के मीडियम फ्लेम पे जब तले के गोल्डन ब्राउन ना हो तब तक ये तल लेंगे इस तरीके से। ये बन गए हमारे ब्रेड मोदक रेडी। आप देख सकते हो अंदर से ये काफी सॉफ्ट है। ये हो गए हमारे ब्रेड मोदक रेडी। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेशन में बता दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। थैंक यू। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली रेसिपी के बारे में अपडेट्स मिलते रहें।